इस एपिसोड की शुरुआत में हम बाइथियन को देखते हैं, जो कि इस एल्डर को बोलता है, लास्ट युग का अर्थ क्या होता है। इस बार ये एल्डर बोलता है, ब्रदर सू द्वारा दिखाए गए रास्तों से ऐसा लगता है कि वो लास्ट ईयर का कोई इंसान होगा, लेकिन मैं उस जगह से बचकर निकल गया था, इसलिए इस चीज के लिए आप मुझे दोष मत दीजिएगा। इस पर बाइथियन बोलता है, क्या तुम लास्ट युग से हो? इस पर ये एल्डर भी हाँ बोलता है। इसके बाद ये एल्डर अपने बारे में बाइथियन को बताने लगता है कि मुझे हाल ही में होश आया है, जिसकी वजह से मैंने अपने अधिकांश मेमोरी को खो दिया है, इसलिए मैं सुजियांग जी का खोज कर रहा था ताकि पिछले युग में क्या क्या हुआ था उन सब चीजों के बारे में मुझे पता चल सके, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि इस दुनिया का आखिरकार पतन और विनाश क्यों होता है। इस पर बाइथियन बोलता है, आप इस जगह पर बोलना चाहते हैं कि लास्ट युग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। इस पर ये एल्डर भी हाँ बोलता है और वो अपने बारे में बताने लगता है कि मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जिसकी वजह से मैं उस जगह से बचकर निकल गया था, लेकिन जब मुझे दोबारा से होश आया था तब मुझे लगने लगा कि यह दुनिया भी अब बहुत ही जल्द नष्ट होने वाली है। इस पर बाइथियन बोलता है, हम लोगों को अपनी बातचीत को पूरा करने के लिए और एक दिन का इंतजार करना चाहिए। ये लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी इस जगह पर बहुत सारे वॉरियर इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिसके बारे में इन लोगों को कुछ भी पता नहीं था, और ये लोग आराम से इस जगह पर चाय पी रहे थे, लेकिन तभी ये वॉरियर अपने मास्टर को बोलता है, वहाँ पर जो बैठा हुआ है वही वो लड़का है जिसने हम लोगों के कल रात के प्लान पर पानी फेर दिया था। इस बात को सुनकर इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, बच्चे तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि कल तुमने हम लोगों के प्लान को बर्बाद कर दिया है और तुम इतने आराम के साथ इस जगह पर बैठकर चाय पी रहे हो। इस पर बाइथियन एल्डर लियो को बोलता है, एल्डर लियो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस दुनिया में बहुत सारे बेवकूफ लोग हैं? इस पर एल्डर लियो बोलता है, अगर इस दुनिया में मूर्ख लोग नहीं होंगे तो शायद से ही किसी चीज में हम लोगों को मजा आएगा। इस बात को सुनकर इन लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी एल्डर लियो बाइथियन को बोलता है, बाइथियन क्या तुम यहाँ पर चाहते हो कि इस फाइट में मैं तुम्हारी मदद करूँ? और वो ये बोलकर अपने चाय को इस एल्डर के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपने बुल स्प्रिट बीस्ट को समन कर लेता है और उससे वो इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। इस चीज को देखकर बाइथियन बोलता है, आपको इस जगह पर इन कीड़े मकोड़े के साथ फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों के साथ तो मैं ही बहुत ही आसानी के साथ फाइट कर सकता हूँ। इसके बाद बाइथियन यहाँ पर अपने डिवाइन आई को एक्टिवेट कर अपने ग्रेविटी प्रेशर से इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये एल्डर अपनी ही जगह पर गिर जाता है। इस चीज को देखकर इसके दोनों साथी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बाइथियन का ये अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से इस एल्डर का यहाँ पर जो बुल स्प्लिट बीस्ट है वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद बाइथियन इस एल्डर को बोलता है, क्या तुम यहाँ पर अपना बदला नहीं लेना चाहते हो? इस बात को सुनकर इस एल्डर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से इसने बाइथियन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद ये एल्डर यहाँ पर अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है ताकि वह उससे बाइथियन के ऊपर अटैक कर सके। इसके बाद वह इस अटैक को फाइनली क्रिएट भी कर लेता है और उससे वो बाइथियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन बाइथियन ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जिसकी वजह से ये एल्डर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर बाइथियन इसके पास आ जाता है, जिसे देखकर ये एल्डर थोड़ा सा डर जाता है और वो अपने साथियों को बाइथियन के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है। इस पर ये सभी लोग भी बाइथियन को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन बाइथियन तो इस जगह पर बस आराम से अपनी जगह पर खड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों को यहाँ पर हरा देगा। इसके बाद बाइथियन इन लोगों की ओर देखने लगता है। इस पर इस मोटे एल्डर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड को अपेयर करके उससे बाइथियन के ऊपर कई सारे अटैक कर देता है, लेकिन बाइथियन इसके सभी अटैक को डॉज करके एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच इसके ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरता है। इस चीज को देखकर इस एल्डर के साथी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपने बहुत सारे स्प्रिट बीस्ट को समन कर लेता है, जिससे वह यहाँ पर बाइथियन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन बाइथियन ने भी यहाँ पर टाइम रहते ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्प्रिट हैंड अपेयर हो जाता है, जो कि इन सभी कीड़ों को एक ही झटके में मसल देता है, जिसे देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि बाइथियन ने इस एल्डर के जितने भी कीड़े थे उन सभी को अपने कंट्रोल में करकर उससे इस एल्डर के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इस एल्डर की हालत बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है। इस चीज को देखकर इस एल्डर के मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह अब खुद बाइथियन के साथ फाइट करने के लिए आ जाता है। उसने यहाँ पर अपने स्पीड बीस्ट से बाइथियन के ऊपर हमला भी कर दिया था, लेकिन बाइथियन ने भी यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पंच को क्रिएट कर लिया था और वो उससे इस अटैक के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस चीज की वजह से ये एल्डर भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखकर उसके साथी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन बाइथियन आखिरकार इन लोगों को यहाँ से भागने कैसे दे सकता था, इसलिए वो यहाँ पर अपने आइस मैजिक का यूज करके इस एल्डर के पैर को फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो चाहकर भी कहीं पर जा नहीं पा रहा था।
इसके बाद भाईतियान इस एल्डर को बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर दो ऑप्शन देने वाला हूँ। फर्स्ट ऑप्शन यह है कि तुम फाइव मेरिडिन को डिस्ट्रॉय कर दो, और दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास यह है कि तुम मुझे मेटिस कैसल में ले जाओगे। इस पर यह एल्डर कुछ भी नहीं बोलता है। इस चीज को देखकर भाईतियान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मुझे लगता है कि तुम मेरे कोई भी काम आने वाले नहीं हो। और वो ये बोलकर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से यह एल्डर पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। लेकिन वो अंत में भाईतियान को मेटिस कैसल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस पर भाईतियान भी इस एल्डर के साथ जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एल्डर लियो भी आ जाता है, जिसे देखकर भाईतियान बोलता है, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। इस पर एल्डर लियो बोलता है, ज्यादा देर आराम करने से तुम बहुत ही ज्यादा आलसी हो जाते हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ इस सफर में जाना चाहता हूँ। इसके बाद ये सभी लोग इस जगह से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि अपनी गद्दी पर आराम से बैठा हुआ था, और इसके सामने एक कल्टीवेटर आ जाता है और वो बोलता है, एल्डर जी, आज हम लोग जिस लड़की से मिले थे वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए इस लड़की के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसलिए क्या हम लोगों को और एक बार उस लड़की के साथ मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए? इस पर एल्डर जीस बोलता है, हाँ, और एक बार मैं उस लड़की के साथ मिलने के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ पर इस लड़की की जिस तरीके से तारीफ की है मुझे भी लगने लगा है कि यह लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए मैं खुद जाकर उससे मिलना चाहता हूँ। इस पर यह कल्टीवेटर बोलता है, मास्टर, ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल है, इसलिए इसे आप अपने हाथों से जाने मत दीजिएगा। इस पर एल्डर जीस बोलता है, ये लड़की चाहे कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे हाथों से बच नहीं सकती है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर गेट को तोड़ते हुए दो कल्टीवेटर अंदर की ओर आ जाते हैं, जिसे देखकर एल्डर जीस थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो एक जगह पर जाकर छुप जाता है। लेकिन तभी और दो तीन चार कल्टीवेटर यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ एल्डर जीस की ओर आ रहे थे। इस चीज को देखकर एल्डर जीस यहाँ पर अपनी पावर को यूज करके इन सभी कल्टीवेटर को दूर कर देता है। इसके बाद एल्डर एडी जब इन कल्टीवेटर को देखता है तब वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये लोग तो इसी के साथ ही थे। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है भाईतियान की, जो कि बोलता है, मुझे लगता है कि मेरा गिफ्ट तुम लोगों को जरूर से पसंद आया होगा। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर एल्डर जीस को बताने लगता है कि अगर आप इस लड़की को पकड़ लेते हैं तो इस चीज की वजह से आपको ये लड़की मिल सकती है, इसलिए आप इस लड़की को यहाँ से जाने मत दीजिएगा। इस पर एल्डर जीस बोलता है, मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं तुम लोगों को ही ढूंढने के लिए जाने वाला था, लेकिन तुम लोग देख सकते हो क्योंकि तुम लोग खुद ही इस जगह पर चलकर आ चुके हो, इसलिए अब तुम लोग चाहकर भी इस जगह से भाग नहीं सकते हो। और वो ये बोलकर अपने एक एल्डर को आदेश दे देता है कि इनमें से कोई भी इस जगह से बचकर भागना नहीं चाहिए। इस बार ये एल्डर भी हाँ बोलकर बहुत ही एटीट्यूड में आगे की ओर आ जाता है। इसके बाद वो अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसकी मदद से उसने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को भाईतियान और उसके साथियों के इर्द गिर्द में बना दिया था। इस चीज को देखकर एल्डर लियो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसलिए एल्डर लियो बोलता है, इस युग का फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसके बाद एल्डर लियो अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इस फॉर्मेशन में बहुत सारे क्रैक पड़ जाते हैं। इस चीज को देखकर ये दोनों एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी एल्डर लियो इस फॉर्मेशन को फाइनली डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से यह एल्डर दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से यह एल्डर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो एल्डर लियो की ओर देखकर बोलता है, यह एल्डर एक मैजिशियन है, क्योंकि इसने मेरे फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी भाईतियान बोलता है, तुम लोगों को यहाँ पर समय बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम लोग एक साथ मिलकर मुझे ऊपर अटैक कर सकते हो। इस बात को सुनकर एल्डर जीस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अब तुम लोगों को यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।